चलो बढ़ते आगे। इन दिनों प्रदेश की राजनीति में फोन टैपिंग मामले की गर्माहट खूब देखने को मिल रही है, खूब महसूस की जा सकती है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा कहने के बाद भीलवाड़ा प्रवास पर मंत्री ने पलटवार भी किया है। शेखावत ने जोशी को उन्हीं की भाषा में भविष्य का भगोड़ा बता दिया। शेखावत ने कहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने समन किया अगर वो हाजिर नहीं हो रहा है तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है या फिर भगोड़ा माना जा सकता है। पिछले वर्ष जिस तरह की परिस्थिति बनी थी उस परिस्थिति के समय में भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र के नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, मुझ पर जिस तरह के दोषारोपण किए गए थे और बाद में वही सारे लोग एक दूसरे से गलबैयां करते हुए दिखाई दिए और अभी आपस में भ्रगुटियाँ तनी भी है, मैं तो कम से कम इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि अब की बार अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राग अलापना प्रारंभ नहीं किया। इधर कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सचिन